17वीं और 20वीं सदी के बीच यूरोप, अफ्रीका और एशिया में लाखों डायनों के होने की पुष्टि होती है, जिनमें से कुल मिलाकर 46,000 डायनों को लोगों ने किसी न किसी तरह मार डाला। भारत में भी एक ऐसी घटना कुलभाटा नाम के गांव में हुई। चारों तरफ रेगिस्तान से घिरा ये गांव 18वीं सदी में कालो नाम के डायन के आतंक से परेशान था। कालो छोटी छोटी बच्चियों की बलि देकर खुद को अमर करना चाहती थी, लेकिन एक दिन गांव वालों ने उसे मारकर जमीन के नीचे गाड़ दिया। कालो का आतंक खत्म हो गया, लेकिन उसका डर कुलभाटा में जिंदा रहा। कुछ एक लोगों ने कालो को फिर से देखने का दावा किया, और एक रात ऐसी भी आई कि कालो के फिर से जिंदा हो जाने के डर से गांव वालों ने रातों रात कुलभाटा को खाली कर दिया। ढाई सौ साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन कुलभाटा आज भी वीरान है। कहते हैं कालो आज भी कुलभाटा में घूमती है, पहले से ज्यादा भयानक रूप में, और इसीलिए 250 साल से कुलभाटा में कोई नहीं गया। लेकिन आज
पूज्य बाबूजी, मैं वापस लौट रहा हूं। अब तक आपके खतों का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरे पास खुद कोई जवाब नहीं था, पर अब है। मैं अपने साथ गांव की खुशियां लेकर आ रहा हूं। बारूद का पूरा ढेर है मेरे पास, कुआं खोदेंगे। अब किसी को भी पानी की कमी नहीं करेगी बाबूजी, सब कुछ रहेंगे। आपका बेटा समीर। लोगों को बुढ़ापे में जीने का और जवानी में मरने का बहुत शौक रहता है। और भी जिंदगियां अपने साथ लेके चल रहे हो, कम से कम उनका ध्यान तो रखो। दूसरों की जिंदगियों का ध्यान रखते रखते हमारी जिंदगी मौत समान हो गई है। अब घुसिए अंदर। टिकट लाइए, दिखाइए, बैठ जाइए। एक्सक्यूज मी बेटा, ये मेरी सीट है। पापा ने कहा है विंडो सीट पर मत बैठना, धूप आंखों को चुभेगी। ये देखो कितनी तप गई है। खिड़की है तो हवा भी तो इधर से आती है ना। प्लीज। अकड़ू अकड़ू बुला रही है तुम्हें। छोटी बच्ची है, कहाँ इतनी धूप में बैठेगी, कुछ तो समझो। हद हो गई, सुनी नहीं रहा। जाने दो नानी, बच्चा है। अबे कंडक्टर, और कितना रुकाएगा माँ की। अरे बड़ा सिटे। चलो उस्ताद। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। खड्डा आए या नाली, रुके ना किस्मत वाली। सुनो सुनो सुनो, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुनो कि कुलदेवी पहुंचने में कुल घंटा लगेगा 10, अगर बार बार नहीं रुकाई गई बस। इन्फॉर्मेशन ओवर। सबको बता चुका था, ये आपके लिए है। फॉर्मेलिटी, अंडरस्टैंडिंग। Why I brought you to this Indian desert for this photo shoot? Why? Because I wanted to use the sand dunes, the camels, the humps, the hounds, and the ups. Down, Hasmu. Okay. मुँह तो आप खोलते नहीं हो, कम से कम हाथ तो खोलो। क्या सोच रहे हो? उदी की याद आ रही है। जी चाहता है उड़कर उसके पास चला जाऊं और उसे अपने गले से लगा लूं। अब थोड़ी देरी की तो बात है, फिर जी भर के प्यार कर लेना उसे। हे झांसी की रानी, ये अपनी तलवार जरा दूर रखो, समझी? लगती है मुझे। थैंक गॉड, आपको कुछ तो लगता है। क्या मूड है तुम्हारा? आई हेट यू, आई हेट यू। ओके, लेकिन जोक है ना, उनको बोलना है, बात करनी है तो बोलने दो जो बोलना है। जस्ट रिलैक्स। जा भाई, गुस्सा अंदर।
सामान सेट हो गया हो तो बैठ जाइए। अरे आगे पूरा परिवार आ रहा है भाई, कुछ चारों सीट उन्हीं के लिए बुक है। अरे भाई आप आदमी है कि पजामा, हम समझा रहे हैं आपको, समझ में नहीं आ रहा है, हम पीछे बैठने के लिए कर रहे हैं जी। वो चिल्लर की आवाज करके डरा रहा है क्या, माँ की आँख? अब अरे भाई हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि सब कुछ यहीं सेट कर लेंगे। अरे कुछ काम सफर के लिए भी छोड़िए ना। इस ड्राइवर की माँ की आँख ऐसे चलाएगा तो हम पहुंच चुके हैं ओमी की शादी में। गुड्डू भाई अब तो ओमी की भी शादी हो रही है, मेरा नंबर आएगा ना, शादी होगी ना मेरी? शादी तो तेरी जरूर होगी बेटा, पर बच्चे हमारे होंगे। हाँ मके हो गया इसे चिल्लम का। अरे भाई कहाँ चले गए सारे के सारे मुसाफिर? उस्ताद गए होंगे ना? क्यों सारी आज ही कर देंगे क्या? Come on, Hasmo. That's nice. क्या कर रहा है बे झम्बड़ो? लाइन मार रहा हूँ। कम से कम इधर तो सीधी लाइन मार के बता। लाइन तो अपने गुड्डू भाई की क्लियर है। गुड्डू भाई उस आधी चड्डी वाले ने कुछ नाटक किया ना तो उसे काट लूंगा। वाह वाह अमेजिंग वेरी गुड पोज। वेल आई एम अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर। गुड्डू भाई आपकी चिल्लम। ओए साड़े याद दिला देना चिल्लम की। उस्ताद कब तक इंतजार करेंगे भाई, चलिए छोड़ के चलते हैं। अरे रुक जा, मैं अगर गया होता तो मुझे छोड़ के चला जाता। बिल्कुल नहीं उस्ताद। कर ले इंतजार। जी रातों रात ही गड्ढा कहां से पैदा हो गया? अब क्या करेंगे? भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता अपने आप खोल देता है। दूसरा रास्ता? घबराइए मत पंडित जी, दूसरा रास्ता है। देखो हम दूसरे रास्ते से नहीं जाएंगे, गाड़ी यहीं से वापस ले लो। अरे वापस क्यों? क्योंकि वो रास्ता कुलभाटा से जाता है। कुलभाटा लोग कहते हैं जो कोई भी कुलभाटा से गया है वो कभी सिद्धा वापस नहीं आया, कभी नहीं। अब चलो शगुन अब शगुन बस मैं सोच लेना। चले उस्ताद चलो। पूरी दुनिया खड्डे के पीछे परेशान है। खड्डे के भी माखी आंख देखो भाया, खड्डे को गाली मत है, है? अरे मास्टर की औलाद फिर से मुर्दे की तरह सो गया क्या बस के ऊपर?
इसको जिंदगी भर के लिए सुला दो तो अच्छा है। अरे ना रे, ना रे, बच्चा है अपना। बच्चा है, धरती पे बोझ है सड़ा। अबे उठ जा छोटू। अरे छोटू, ओ छोटू उठ जा, छोटू उठ जा। अकड़ू अंकल, थैंक यू। ठीक है। मिस्टर कंडक्टर, आप यहाँ पहले भी कई बार आए होंगे ना, तो कोई हॉरर कहानी सुनाइए ना। गुड, हम सच्ची घटना सुनाते हैं। चल रही है जिंदगी रफ्तार से, जी रहे हैं लोग कितने प्यार से। चल रही है जिंदगी रफ्तार से, जी रहे हैं लोग कितने प्यार से। मौत से है सब यहाँ पर बेखबर, क्या खबर कब खत्म हो जाए सफर। मौत से है सब यहाँ पर बेखबर, क्या खबर कब खत्म हो जाए सफर। जिंदगी प्यारी है सबको हाँ मगर, जिंदगी प्यारी है सबको हाँ मगर। अपनी बकवास से लोगों को डराना बंद करो, समझे? अंकल डरो मत, ये तो सिर्फ कहानी है, सिर्फ कहानी। क्या हुआ? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, लगता है कोई बहुत बुरी अनहोनी होने वाली है। मुझे ही कुछ करना। आप भी तो बस देखो, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, ये तो बस डर है दिमाग में। गलत, आत्माएं होती हैं। What is this lemon chili? ए बुढ़ाओ, ए क्या भाया है? ए ताऊ, इन धागों से तो हम बचपन में पतंग उड़ाते थे। इस धागे की ताकत देखना चाहते हो? जब तक कुलदेवी का ये आशीर्वाद यहाँ पर है, कोई मुसीबत इस बस के अंदर प्रवेश नहीं। आपकी आंख बात करता है। It's fireproof. See, we can make a costume out of it. And you can put me on fire. Brilliant idea. It will be a photo shoot on fire. Nikhil, ये पंडित जी जो कह रहे हैं? Relax. हम लोग कुलदेवी के दर्शन करने चलो। क्या हुआ? हाँ, हाँ कुकी। सिगरेट मैं भी पीता हूँ, लेकिन बस में पीना मना है। क्यों? थैंक यू जी, थैंक यू। क्या है? सही है। नो 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 नो। क्या हुआ? पंडित जी हो गए खफा, निकल गई टायर की हवा। प्रॉब्लम हो रही है इस बस के साथ। इन्हें गाड़ी से बाहर नहीं जाना चाहिए।
नहीं जाना चाहिए। ये नहीं जानते कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। छोटू, क्या हो गया तारे को? अरे कुछ नहीं रे, ये तो टायर पंक्चर हो गया बे। चल चल, तू चिल्लम पीते चल। मरने दे बयान के को। अरे चल रे, नाटक करता है साला। चल चल जल्दी चल। इसको लेके क्यों आता है यार? तुम्हें बोला था मत लेके आ। तू अंदर उसके पीछे पड़े रहते। चल ना, इसको रेती में गाड़ के मार डाल। चलो ए, तू चल रहा है? क्या है बे, क्या नाटक हो रहा है? मेरे साथ यही तो परेशानी है ना यार, किसी भी चोरी को लाल जोड़े में चूड़े पहने देख लूँ ना तो मेरे दिल में भी छण छण होती है इसकी बहन का। लेकेच दे भाई चंदन। रघु, ये जो दूसरी चोरी चड्डी में आई है ना, इसके कपड़ों का सूटकेस घूम गया है, लग गया है। या फिर फैशन होगा आजकल बहन का टका। माँ की, अपने को क्या पता। अच्छा शोना, तुम अकेली सफर कर रही हो, डर नहीं लगता तुमको? बचपन से आती जाती हूँ नानी के घर। तुम भी तो अकेले सफर कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? पहले लगता था, अब नहीं लगता। तुम जो मेरे साथ हो ना, मेरी नानी है। चीज तो करंट है, 440 बुलेट, झटका ना मार दे साड़ी। आपको झटका मारने वाली कोई चीज ही नहीं बनी इस दुनिया में मार। बोलो तो उठा के ले आऊं। भाभी को सुन वे झंपड़ू, पास जाके देख ले उष्ण का जलवा, वो झाड़ी में आग। घुस जा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। झंगडू जा। देख गुड्डू, तू कह रहा था मैं चला जाता हूँ। सड़क गोड़ गोड़ हो रहा है। I'm tired now after all this hard work. But yes, that was some for a session, huh? The best one from me.
Well, that's how we do it in Hollywood. But there is some eeriness about this place. Manojai Chamlan, you know? I can feel it. I can feel it. Me. Bloody mouse! Ban ke take. You prankster! Ban ke take? That's a good one. We'll use it somewhere. Ban ke take. Good. Yeah. Can I take a picture of yours? Don't take it. Good. Let's go. Yeah.
छोटू नादानी कर रहे। क्यों नहीं समझते कि अगर मिलेगी तो सिर्फ लाश मिलेगी, लाश। नहीं जानते कि ये हमारे अंत की शुरुआत है। नहीं, नहीं, नहीं। मेरे हिसाब से हम सब लोग को यहाँ से निकलना चाहिए। अरे कहीं ऐसा ना हो कि इन सब के कारण हम भी शहीद हो जाएं। नहीं। True। जाएंगे तो सब साथ जाएंगे। ऐसे किसी को छोड़ के नहीं जा सकते। चिल्ला मजादा हो गई छोटू। नहीं समझ रहे हैं भाई आप लोग? अरे लाश को साथ ले जाने का मतलब समझते हैं? लाश को साथ ले जाने का मतलब होता है कि मौत को साथ लेकर जाना। मतलब क्या तेरा माँ की आँख? मैं मेरे दोस्त को यही छोड़कर चला जाऊँ क्या? छोटू को छोड़ना अपने घर पे हमारी जिम्मेदारी है। Let's do one thing। हम पुलिस को फोन करके यहाँ बुला लेते हैं। अरे लेकिन यहाँ कोई मोबाइल काम ही नहीं कर रहा। There's no network। Then to save us from legal hassles, we'll have to leave the body here। क्या बात कर रहे हैं आप? ये आदमी हमारे साथ आया था। इसकी लाश को हम लोग ऐसे जंगल में छोड़कर नहीं जा सकते। माफ कर दे यार, मैंने तो मजाक में बोला था। मर जा साले, तू तो सही भाई। चल वो गया, चल माँ चल। साले साहब वहाँ क्यों खड़े हैं? आइए ना अंदर चलिए। अरे अब जो होना था वो तो हो गया ना, अब होने को कौन टाल सकता है भाई? आइए चलिए, छोड़िए भी गुड्डू साहब। अब चलना मुझे आ रहा होगा इसलिए। आइए ना अंदर चलिए। Thank you.
छोटू आई। इतने साल की ड्राइवरी में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। किस्मत के बारे में ये गाड़ी में लिखवाते हुए कभी नहीं सोचा था कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा ना किसी को मिला है और न मिलेगा। भले ही वो किसी की जिंदगी क्यों ना हो, चलना है, देर हो रहा है भाई, काहे मजाक कर रहे हैं। उस्ताद जी, उस्ताद जी, अरे कंडक्टर साहब, आप समझते क्यों नहीं है, अंदर आ जाइए। उस्ताद जी, कंडक्टर की बाकी आंख, चल देख के आते, चल। अरे तुम लोग बाहर क्यों जा रहे हो, जान दो, बाहर जाओ यार, अरे चलो यार यहाँ से, अरे क्या हो तुम सब, अंदर आ जाओ, चल ना चंदन, फट रही है क्या तेरी, फट रही है यार, इसमें फटने की क्या बात है यार, ये लोग भी तो बैठे हुए। अच्छा रुक जा, आ रहा हूँ मैं। तुम लोग जाओ यार, मैं जाता हूँ ऊपर अपने छोटू के पास। सड़ा कब से अकेले लेटा है ऊपर। चल चल यहां से निकल, चल नहीं तो अपन भी मरेंगे यार। सो रहे सारे, तू जरूर आके यहां सो रहा है तू, सारा मेरा चिल्लम कौन बढ़ाएगा। चल 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 चल, अबे रुक चंदन, वो कंडक्टर गया कहां, मां की आंख। कंडक्टर, कंडक्टर से अपने को क्या कर रहे हैं यार,
चल चल, देख कौन को देख, सिर्फ यहीं पर है, आगे ही नहीं, कहां से सीधा ऊपर ऊपर। कुछ नहीं होगा बेटी, कुछ नहीं होगा। हे भगवान, कालो इस बच्ची के लिए आई। अच्छा, तो यही है वो लौंडिया जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। बाहर निकालो इसे, माँ की आँख। मैंने भी देखा था, उल्टा हैंड ने इस बच्ची को ऐसे इशारा भी किया था। बाहर निकालो, बाहर भेजो इस बच्ची को। अगर इसी वक्त इसे यहाँ से नहीं निकाला तो वो हम सबको खत्म कर डालेगी। The fruit of the problem is this girl. Let's throw her out. I don't like it. Throw her out. बच्ची, अरे बच्ची नहीं, इसके लिए मौत है, ये मौत। किसी ने लड़की को हाथ लगाने की कोशिश की, छोना कहीं नहीं जाएगी। और अगर इसे किसी ने छुआ, याद रखना कालो से पहले मैं उसकी जान ले लूंगा। और कुलभाटा की हाथों से बाहर चले जाना चाहिए, जो वो कभी नहीं होने देगी, कभी नहीं होने देगी। बैठो कसकर, कसकर बैठो, यहाँ से सबको बाहर मैं निकालूंगा। कालो की माँ की आंख, रफ्तार क्या चीज होती है मैं दिखाता हूँ।
यही साली कालो, वो नीचे से गई है, वो नीचे से गई है। बस का टैंक लीक कर रहा है, सब लोग बाहर निकलो, जल्दी निकलो सब लोग, जल्दी। Fuck!
बारूद लेकर आया था गांव में पानी निकालने के लिए, लेकिन लगता है इसकी यहाँ पे ज्यादा जरूरत है। कोई फायदा नहीं होगा। ये मतलब क्या इसका? कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ उन्हीं की ताकत से मारा जा सकता है। कालो को भी उसी के हथियार से मारा जा सकता है, किसी और हथियार से नहीं। पर उसके हथियार यहाँ कहाँ से लेंगे हम? तो फिर कुछ नहीं हो सकता। दुनिया की कोई ताकत हम सबको मरने से नहीं रोक सकती। कुछ हथियार है जो उसकी मौत को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? क्या करें? हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, यहाँ बैठे रहे, मौत का इंतजार करें? यही सच है समीर, यही सच है। हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ चीजें इंसानी हदों से बाहर होती है। मारना तो उसे पड़ेगा पंडित जी, फिर चाहे वो कोई डायन हो या कुछ और, फिर चाहे वो उसके हथियार से मरे या फिर बारूद से। एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? वहां सामने एक जीप है, अगर मैं किसी तरह वहां तक पहुंच गया तो शायद हमें कालों को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। पंडित जी, कालो कितनी खतरनाक है मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक जिंदा हूं मैं लड़ूंगा। कुछ नहीं होगा बेटे। पंडित जी, आप शोना का ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा। इसका तो काम हो गया होगा। तो अब तू ताऊ और ताई का हे भगवान ध्यान रख। क्या करे, सभीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं कालो ने उसे भी नहीं? अब तक मैं इस पनौती को ठिकाने लगा कर आता हूं।
आओ ला इधर छोरी को, ताओ ला। दूसरे की जान के पीछे पड़े हो हा? अरे अगर आपस में लड़ मरना है तो कालों से क्यों डरकर भाग रहे हो हा? क्यों भाग रहे हो? देखो देखो, अगर लड़ना ही है ना तो एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए नहीं लड़ो, कालों को खत्म करने के लिए लड़ो, कालों को खत्म करने के लिए लड़ो। भरोसा किया था मैंने तुम पे पंडित जी, मैंने तुम पे भरोसा किया था, भरोसा किया था मैंने। मैं डर गया था बेटा। निकलो भागो यहाँ से, चलो चलो जल्दी जल्दी। चंदन माफ कर दे यार, मुझे लग रहा है कि वो उड़ के आ रही है, मुझे नहीं मर, नहीं मर रहा है, माफ कर दे यार। चंदन साले आरामी, मैं बच गया, मैं बच गया। Huh?
निकल निकल सभी, निकल निकल सभी 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 मुझ पर चल सभी। चंद्र साला अभी साला सभी 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 तू निकल सभी सभी तू निकल सभी तू निकल तू जा सभी तू जा रघु भाई मैं बन गया रघु रघु मैंने तुझे बचाने की कोशिश की थी यार मैंने हाथ भी बढ़ाया था
भरोसा किया था मैंने तुम पे पंडित जी, मैंने तुम पे भरोसा किया था, भरोसा किया था मैंने। Ha ha ha!
शोना, 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 हाँ, शोना, ये शोना, क्या हुआ बेटे, हाँ, शो, मुझे नानी के घर जाना है। हाँ मैं छोड़ दूंगा ना तुम्हें नानी के यहाँ। और तुम कहाँ रहोगे? मैं जाऊंगा अपने घर, अपने गांव। पर अब कुआं कैसे खोदोगे? बारूद तो सब खत्म हो गया ना। कुछ तो करना पड़ेगा, तुमसे खोदवाऊंगा। संभाल के। रफ्तार से जी रहे हैं लोग कितने प्यार से, चल रही है जिंदगी रफ्तार से जी रहे हैं लोग कितने प्यार से, मौत से है सब यहाँ पर बेकार।